सर्वप्रथम मैं जवाहर नवोदय विद्यालय खुम्बाथांग की ओर से मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब जब भी विद्यालय परिवार को आपकी आवश्यकता पड़ी, आपने सकारात्मक रूप में हमें आपका सहयोग दिया और आगे भी यही आशा और विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी विद्यालय परिवार की ओर से आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आप हमें सहयोग देते रहेंगे कि नवोदय विद्यालय का चाहे प्रवेश परीक्षा हो, चाहे उसकी नीतियाँ हो, इनको आपने अब तक जनता के बीच में अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसी कड़ी में अभी परीक्षा पर चर्चा, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे देश में इस कार्यक्रम को एक बखूबी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा सभी डिपार्टमेंटों में, इसे शिक्षा के सभी डिपार्टमेंटों में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। मैं जनता से, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया है या इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको मैं आपके माध्यम से कारगिल की जनता के सामने रखना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में जो हमारे शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा है कि इस विद्यालय बंद रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह है वो बहुत प्रभावित हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई चली है। और लगभग 2 साल के बाद अभी 1 अप्रैल से जो कि बोर्ड की और नॉन बोर्ड क्लासों की एग्ज़ाम होने वाली है, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर कुछ दबाव सा रहा है कि बच्चे कहीं दबाव में आकर के मन में कोई स्ट्रेस वगैरह न रखे। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो परीक्षा पर चर्चा आयोजन किया जा रहा है, उसमें अपनी तरफ से कुछ टिप्स वगैरह दी जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो परीक्षा है ये दबाव का साधन नहीं है, इसमें बच्चों को अपने ऊपर दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ये एक पर्व की तरह है। जैसे समाज में ईद, दीपावली, होली आदि पर्वों को हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, उससे पूर्व की तैयारी की जाती है, तो उसी प्रकार से परीक्षा को भी एक उत्सव की तरह लिया जाना चाहिए और बच्चों में दबाव के स्थान पर एक उमंग होनी चाहिए कि हमारी परीक्षा आ रही है, और तो उसमें मतलब बच्चे अपनी अच्छी तैयारी करें, किसी भी प्रकार की के दबाव में ना आए। इसमें शिक्षकों का और पेरेंट्सों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चे कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी उसे ऐसा लगता है कि भाई मुझे याद नहीं आया या मैं शायद अच्छे अंक नहीं ला पाऊँगा, तो इस सब को हमें सबको मिल करके बच्चों को ये समझाना है कि भाई हमारी जो भी है दबाव में आपको आना नहीं है, अच्छी तैयारी है आपकी, इस दबाव से निकालने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये विगत 5 वर्षों से देश में इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, अभी ये 5वां संस्मरण है, जो प्रधानमंत्री जी लगभग 1 अप्रैल 2022 को जो परीक्षा पे वार्तालाप सीधे प्रसारण किया जाएगा, उस में सभी विद्यार्थियों को भाग लेना है और उनके द्वारा दी गई जो टिप्स वगैरह है, जो बताया जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारना है। और ये प्रसारण केवल हिंदुस्तान में नहीं,
या भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के ऐसे 28 देशों में भी इसका प्रसारण किया जा रहा है जहां पर भारतीय मूल के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस में मैं यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, कि हमें कभी भी परीक्षा को एक दबाव के रूप में नहीं लेना है। मैं इस अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार करना चाहूँगा कि उनका ध्यान परीक्षा की ओर गया। और जैसे कि बहुत सारे हम घटनाएं देखते हैं कि बच्चे ऐसे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस पर ये अंकुश लगा है। विगत 5 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो इसका एक सकारात्मक रूप हमारे सामने आया है कि जो रेशो है वो कम हुआ है, और आगे भविष्य में भी शायद हम उस पर उस रेशो को हम 0% ला सके कि जो बच्चे मतलब जो भी अनहोनी घटनाएं घटती है। तो इसी कड़ी में मैं और ये कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, आपके टीवी के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जवाहर नवोदय विद्यालय कुंभाथांग अपनी पूरी तैयारी के साथ 1 अप्रैल की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। हमारे द्वारा होल्डिंग वगैरह भी लगाया गया है, और हमारे भी जो संसाधन है मीडिया वगैरह है, जैसे सोशल मीडिया है या कहीं की ट्विटर वगैरह है, स्कूल की साइट है, उस पर भी हम बार बार में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमने मतलब प्रेस नोट भी भेजा है जो कि आपके यहाँ के जो लोकल जो समाचार पत्र है उसमें निकला हुआ है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और अभिभावक और विद्यार्थियों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.